अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8। लास्ट टाइम हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6। अगर आप लोग पार्ट नंबर 5 के स्टेटमेंट की तरफ आएँ तो वहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच मेयरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेयरमेंट ऑफ बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, टू मेयरमेंट्स आपके पास गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने 8.1 में किया था। और अगर आप लोग 8.1 एक्सरसाइज ओपन करें तो उसका अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर फाइव चेक करें, क्वेश्चन नंबर 5 और रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 करना है, दोनों क्वेश्चन वेरिएबल के नेमिंग के साथ, मेयरमेंट्स के साथ बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, बिल्कुल एज इट इज़ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में वेरिएबल्स की चेंजिंग है, ना कोई मेयरमेंट की चेंजिंग है। तो आप लोगों ने जैसे वो किया था, बिल्कुल एज इट इज़ इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना। अब मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़े तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल एल एम एन ओ वेन मेयरमेंट ऑफ एल एम इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड मेयर ऑफ एल एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और अगर आप लोग 8.1 पे आ जाएं अगेन, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक करें, सेम मेयरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 के रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 में डिफरेंस इतना है, मेयरमेंट सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने ए बी सी डी कहा है कि आपने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और आपके पास जो अब हम क्वेश्चन कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एल एम एन ओ के नेम से एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसे हम लोगों ने वो बनाया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम लोगों ने ये भी बनाना है। बस डिफरेंस इतना होगा कि वहाँ पे वेरिएबल के नेम चेंज है और यहाँ पे वेरिएबल के नेम चेंज होंगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा देती हूँ। 5 आप लोगों का बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, इसलिए वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके पार्ट नंबर 6 पे आ जाएं तो आपके पास क्या गिवन है, कौन से मेयरमेंट्स आपके पास गिवन है। एल एम इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सेकेंड क्या है एल एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपके पास ये है। और उन्होंने कहा है कि एल एम एन ओ के नेम से आप लोगों ने एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इन दोनों में से कोई से भी एक मेयरमेंट ले लें और उस पर आप लोगों ने उसकी मेयरमेंट की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जो मैं मेयरमेंट लेने लगी हूँ वो मैं लूँगी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। नेम क्या दिया हुआ है, एल और एन। यहाँ पे आप एल दे दें, यहाँ पे आप नेम इसे एन दे दें। अब रेक्टेंगल का आप लोगों को पता है कि वहाँ पे भी उसकी स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, मतलब हमें वहाँ पे भी 90 का एंगल चाहिए होता है। तो आप लोगों ने 90 का एंगल बनाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एल पे बनाएंगे या एन पे बनाएंगे। आपके पास जो सेकंड मेयरमेंट गिवन है उसके मुताबिक हम किसी एक पॉइंट पे बनाते हैं। हमें अब जो मेयरमेंट चाहिए वो एल एम चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एल एम की मेयरमेंट गिवन है, वो है आपके पास 4 सेंटीमीटर, मतलब एल से एम ये पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो मैं इस साइड पे एक 90 का एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। आपने कंपास की मदद से करना चाहते हैं उससे कर लें, आप इसे डी की मदद से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। अब इसे मैच कर दें। अभी तक मैं आपको 90 की इतनी बार एंगल बता चुकी हूँ कि आई थिंक, मुझे लगता है कि अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से तरीका पता चल गया होगा। ये आपके पास एक 90 का एंगल बन गया। अब आपने करना क्या है, आपने इस पे एल से जो एम न्यू पॉइंट हमें मिलेगा वहाँ तक हमारी मेयरमेंट 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपने फुलकार को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना, देख लें स्केल पे जहाँ पे भी आपके पास 4 सेंटीमीटर बनता है आप उतनी फुलकार को ओपन कर लें। चलिए, आपने फुलकार को उतनी ओपन कर लिया और L पॉइंट पे रख के एक आपने आर्क लगानी है।
एल पॉइंट पर रख के मैंने एक आर्क लगा दी, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया है एम और ये हो गया है 4 सेंटीमीटर. इस पॉइंट को आप कोई भी नेम दे दे टी का. ओके, नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट आपने करना ये है कि अब आपके पास एक पॉइंट तो ये आ गया है, एक पॉइंट ये है. अब हमें थर्ड पॉइंट मतलब ये फोर्थ वाला पॉइंट भी चाहिए, तो फिर आपका एक रेक्टेंगल कंप्लीट होगा. अब आपने 4 सेंटीमीटर की ही एक आर्क एन पॉइंट पर रख के लगानी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल की ये वाली दो साइड सेम होती हैं लेंथ में, और ऊपर वाली और नीचे वाली साइड्स आपके पास लेंथ में सेम होती हैं. इसलिए मैं एन पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी. इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क इधर लगा देनी है, दूसरी आर्क आप लोगों ने एम पॉइंट पे रख के लगानी है. एम पे आपके पास जो इसकी मेजरमेंट आनी चाहिए वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि नीचे की भी यही है. तो आप लोगों ने 6 सेंटीमीटर तक पूरी आर्क को ओपन करना है. ये आपके पास पॉइंट एम है, इस पॉइंट पर रख के आप लोगों ने एक आर्क लगानी है. तो वो आर्क मेरी आ गई है इधर. अब आपने एम और एन को इस पॉइंट के साथ, ये जो ओ पॉइंट आया है इसके साथ मैच कर देना है, तो आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी. ये आपके पास आ गई है रेक्टेंगल की एक शेप, जिसमें आपके पास ये है 6 सेंटीमीटर, ये साइड है आपके पास 4 सेंटीमीटर, और एल एम एन ओ आपके पास ये नेम्स मैंने दे दिए. तो इस तरह आप लोगों के पास ये हो गया है इसका पार्ट नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 कंप्लीट. और आप लोगों ने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आप लोगों ने पार्ट नंबर 5 के करने हैं, सेम एज इट इज़ आपने इसके करने हैं. डिफरेंस बस इतना होगा कि आपके वहाँ पे वेरिएबल के नेम चेंज हैं, यहाँ पे आपके वेरिएबल के नेम चेंज होंगे, वरना आप लोगों का स्टेप्स बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही हैं. तो आज हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 कम्प्लीट. आई होप आपको इन दोनों पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी. लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ज़रा सा भी मसला हो या कहीं पे मेरी मिस्टेक हो गई हो तो मुझे बता दिया करें, ताकि आइंदा मैं उस मिस्टेक को ना किया करूं. और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा करवाया हुआ मैथ समझ आ रहा है, तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलता रहे कि आपको किस हद तक मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं. तो जहाँ तक और दूसरी मेरी जहाँ पर गलती होगी वो मैं फिर आइंदा नहीं किया करूँगी. थैंक यू.